गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और आज हम आपके लिए बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और आई होप कि एग्जाम में आपको मदद मिलेगी और बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज नोट करिएगा प्रॉपर तरीके से। आप एक कॉपी पेन में नोट जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। अब इसमें एक क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है ना भैया, शेषफल होता क्या है, ये चीज आपको बताऊंगा मैं, ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। होता क्या भैया, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या होता है ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर के बारे में आप प्रॉपर ये ध्यान से मेरी बात समझना कि शेषफल होता क्या। जैसे मैंने ध्यान से देखिएगा, मैंने 3 का भाग दिया, 3 से भाग दिया 7 में। अब मैंने भाग दिया मेरे भाई, अब 3 से भाग करा, बताओ कितना आएगा, 3 दुनी 6, बताओ एक शेषफल बचा, जो एक बचा ना इसी को शेष बोलते हैं। आप कैसे सकते हैं, वह छोटी छोटी संख्या जिसको भाज्य से घटा देने पर, 7 से घटा दोगे तो 6 आएगा, 3 से 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, वह छोटी छोटी संख्या जिसको भाज्य से घटा देने पर प्राप्त भाजक द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है, छोटी छोटी, है ना। इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको भाज्य से घटा देने पर प्राप्त भाजक द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, तो घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है ना, तो घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है। बात आपको समझ आएगी नहीं है, बोलो मेरे भाई, तो घटाई गई संख्या क्या कहलाती है, शेषफल कहलाती है। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा, क्या बताया मेरे, वह छोटी छोटी संख्या जिसको भाज्य से घटा देने पर प्राप्त भाजक द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो घटाई गई संख्या शेषफल कहलाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और एक चीज और ध्यान रखना, शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा, है ना भैया, शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना, शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये बात आपको, अगर निगेटिव आ जाए तो फिर क्या करोगे, हर के साथ उसको जोड़ देना, मतलब अंश बटे हर जो लिखा होता नीचे वाली वैल्यू, है ना, डिनोमिनेटर, उसके साथ उसको जोड़ देना और वो वैल्यू प्लस में बन जाएगी। ये चीज ध्यान पे रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, और एक चीज और है, अगर कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो उसका शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। और एक चीज मेरी बात ध्यान से समझना कि एक फॉर्म होता है ऐसा, देखिएगा, एक्स प्लस 1 की होल पावर एन अपॉन एक्स, अगर ऐसी वैल्यू आपको मिल जाए कभी भी, अगर ऐसा मिल जाए, अब ऐसा मिल जाए तो हमेशा इसका जो शेषफल होगा ना, 1 आएगा शेष, क्लियर है ना, कितना आएगा भैया, 1 शेषफल आएगा। फॉर्म कैसा, ऐसा लिखा होना चाहिए, देखो जैसे लिखा होता है ना कहीं पे, 6 प्लस का 1 की होल पावर 50 अपॉन 6, ये देखो दोनों चीज सेम मिल गई ना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, सेम हो मेरे भाई, पावर जहां सम हो या विषम में, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, 1 शेषफल आएगा, 1 शेष बनेगा। बताइए यहां तक सभी को क्लियर, अगर नहीं होगा तो कोशिश करके बनाएंगे। जैसे आ गया मेरे भाई 13 की पावर 19/12, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 13 को 12 प्लस का 1 की होल पावर 19/12। बताइए ये बात आपको समझ आएगी नहीं है, बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ गए होगे। फॉर्म ऐसा मिल जाए, पावर एन हो, तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, है ना भैया, रिमाइंडर 1 आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे अगर लिखा हो 5/12,
पांच बटे बारह ऐसा लिखा हो, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो मेरे भाई, ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो तो हमेशा शेषफल ही लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ऊपर वाला पांच छोटा है ना, तो रिमाइंडर ही है, ये रिमाइंडर ही है। अगर लिखा हो 17/19 तो बताओ इसका शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हो जाएगा 17। ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी लिखी है ना मेरे भाई, तो समझ लेना वो क्या लिखा, शेषफल ही लिखा, ये बात आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए। अच्छा एक चीज और, जैसे लिखा हो ना मेरे भाई 29 की पावर 27 बटे 28, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 29 को 28+1, ऐसा बना सकते हो ना, पावर 27/28, ये वाली चीज मिल गई मेरे भाई। तो रिमाइंडर हमेशा कितना एक होगा, अगर कभी भी ऊपर नीचे ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो 3/17 लिखा हो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है ना मेरे भैया, तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप कि आपको सेशन मस्त लगा हो और जबरदस्त। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का ख्याल। थैंक यू सो मच।